कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर लोग अब बेकरार होने लगे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर विवाद और झगड़े अब आम बात हो गई है। ऐसे ही खरगोन के कसरावद इलाके की ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग में वैक्सीन टीकाकरण के दौरान उचित व्यवस्था के ना चलते विवाद की स्थिति बन गई। विवाद इतना बड़ा कि नौबत महिलाओं की आपसी लड़ाई पर आ गई। महिलाएं एक दूसरे से जमकर लड़ती रहीं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की तरफ से उचित व्यवस्था ना होने के कारण मामला बिगड़ गया। दे दनादन की तर्ज पर महिलाएं गुत्थम गुत्था करने लगी। मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आज वैक्सीन लगवाई आपने क्या? हाँ, वैक्सीनेशन आज हुआ, पहला डोज था सर हमारा। तो कैसे हालात थे वैक्सीन सेंटर पर? जी, वैक्सीन सेंटर पर जो था वहाँ पे सुबह से ही ग्रामीणों की कतार लगी हुई थी। वैक्सीनेशन 200 का होना था, लेकिन 200 की जगह 500 से ज़्यादा लोग मौजूद रहे। महिलाओं में जंग छिड़ गई, जिसके कारण और वहीं मारपीट और हाथापाई चालू हो गई। वहाँ का माहौल काफ़ी अफरा तफरी मची वहाँ पर और बहुत ही ख़राब हो गया था। उसके बाद संपूर्ण हुआ वैक्सीनेशन? हाँ, वैक्सीनेशन 200 का संपूर्ण हुआ, उसके बावजूद कई लोग परेशान काफी हुए वहाँ पे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने कसरावद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सबके सामने लाकर रख दी। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता रहा। ना सही ढंग से मास्क का उपयोग दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। वैक्सीनेशन के लिए टोकन लेने की जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे महिलाएं आपस में भिड़ गईं। बाद में पुलिस ने समझाइश देकर मामले को रफा दफा किया। टाइम मेट मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।